सिवान जंक्शन पर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में चेन्नई से लोग पहुंच गए। यह करीब रात के करीब 10 बजे की यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ महिलाएं सहित ये लोग सिवान जंक्शन पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग चेन्नई और हरियाणा से चलकर सिवान आए थे और वहां से जो ट्रेन खुली हुई थी इन्हें दानापुर लेकर आई और वहां से बसों के माध्यम से सिवान लाया गया। ये सभी लोग सिवान जिले के अलग अलग प्रखंड के रहने वाले हैं और जब हमारी टीम को पता चली कि कुछ लोग सिवान जंक्शन पर आए हुए हैं तो हमारी टीम जब पहुंची तो वहां से कई आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन जानकारी देने के बावजूद भी आला अधिकारियों को तनिक भी इसकी फिक्र नहीं हुई कि रात का समय है और महिलाएं हैं तो आखिरकार इस आधी रात में यह महिलाएं कहां जाएंगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अब जो फंसे थे वो धीरे धीरे अपने गांव यानी कि सिवान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन रात में प्रशासन इनकी सुधी लेने वाला नहीं है। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रही हैं? हम लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, भेलूर से, जी। और दानापुर उतरे, वहाँ से बोले हैं कि अपने अपने जिला के बस में बैठ जाओ, तो हम लोग सिवान वाला बैठे हैं। बस वाला पता नहीं हम लोगों को कहाँ उतार दिया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जाना कहाँ है आप लोगों को? हमें सिसवन थाना पर जाना है, ब्लॉक वहीं पर है हम लोगों का। तो क्या चाहती हैं? हम जाना चाहते हैं। तो आप तो बाहर से आई हैं, क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा? चाहती हैं? हाँ, यहाँ पर जांच हो जाएगा, सब अच्छा हो तो हमें बिठा देंगे वहीं पर, यहाँ पर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे ब्लॉक पर बिठा देंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम एक ही हैं। अच्छा, और भी ये सब लोग? ब्लॉक अलग अलग। आप कहाँ के हैं? रघुनाथपुर ब्लॉक के। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? रात भर अब ये हो जाए, कल कोई व्यवस्था हो, रात को तो करना है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम भेलूर तमिलनाडु, सीएमसी इलाज करा के। इलाज कराने गए थे? लॉकडाउन के पहले गए थे या? हाँ, 17 मार्च को गए थे, 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च को।